हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग। गाइस, कल तक की जो हमने वीडियोस में बात की थी, कई सारे ऐसे फंडामेंटल्स के बारे में, कई सारे स्ट्रेटजीज के बारे में, कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनको अप्लाई करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कईयों ने अप्लाई किया, मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक्स भेजे, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोज में हम कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अप्लाई करके आप मोटा मोटा शॉर्ट गेन कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और कई ऐसे एक्सपर्ट्स, कई सारी ऑनलाइन साइट्स आप सभी को मोटी मोटी बुक्स, कई सारे चार्ट्स अवेलेबल करवाती हैं कि आप इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग चार्ट पर अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट गेन कीजिए। लेकिन वहाँ पर आप सभी को वो पैटर्न, वो कैंडलस्टिक्स समझ में नहीं आती हैं। और लेकिन मैं उन मोटी मोटी बुक्स का, उन सारे चार्ट्स का एक एनालिसिस आप सभी को एक सिंगल पेपर में बताने वाली हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, वो क्या चीज़ है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उनसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखेगा। और वीडियो शुरू करूँ से पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, विदाउट एनी मार्टिंगल। एंड गाइज, अगर आप सभी ने क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, क्यूटेक्स पर अकाउंट क्रिएट कीजिए हमारे लिंक से, देन वहां से आप हमारे पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करके वहां का सेशन फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कीजिए। एंड गाइज, वहां से आप हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मोर ट्रेड का मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर, तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जिनको आप अप्लाई करके कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को पहचान करके ट्रेड करना आप सभी को इजीली होने वाला है, अप्लाई करने वाले हैं इन शॉर्ट ट्रिक्स को। तो गाइज नोट कीजिए, फर्स्ट मैं जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने वाली हूँ वो हमारा है हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर हैंगिंग मैन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हैमर जब कभी भी बॉडी पार्ट ग्रीन कलर का और हमारी एक लंबी सी शेडो दे रखी हो, जब हमारा ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो वहाँ से हमारा पैटर्न, हमारा मार्केट डाउन फ्लो लेने वाला है। ओके, मतलब अपआउट से डाउन की ओर जाने वाला है। तो मतलब हैमर जब बनता है तो उसके वहाँ से आप डाउन की ओर एरो लगा दीजिए। ओके, कुछ इस तरह से। और गाइस, जब हमारा रेड कलर का हैमर बनता है, मतलब जब ऊपर हथौड़े से नाम से इसको पहचान सकते हैं, जब हमारा ग्रीन कलर का सीधा हथौड़ा बनता है तो वहाँ से हमारा मार्केट डाउन फ्लो लेता है। जब हमारा सीधा लाल हथौड़ा बनता है, हैमर बनता है, वहाँ से हमारा मार्केट डाउन से अपआउट की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर एरो जाता है। ओके, जब हमारा, आप सेकंड कैंडल की बात कर रही हूँ मैं, हैंगिंग मैन मतलब उल्टा हथौड़ा, जब हमारा ग्रीन कलर का उल्टा हथौड़ा, मतलब जिसका बॉडी पार्ट नीचे हो, उसकी लॉन्ग शेडो अपर की ओर हो, ओके, मतलब उल्टा हथौड़ा, जब हमारा ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन बनता है तो वहाँ से हमारा मार्केट अपआउट की ओर जाता है। लेकिन जब हमारा हैंगिंग मैन डाउन की ओर उल्टा, मतलब उल्टा हथौड़ा दे रखा हो लाल कलर का, ओके, जब हमारा रेड कलर का हैंगिंग मैन बनता है तो वहाँ से हमारा मार्केट अपआउट से डाउन की ओर होता है, मतलब तब हमारा एरो बनेगा अपआउट से डाउन की ओर। ओके, सेकंड में जिस कैंडलस्टिक्स की बात करने वाली हूँ वो हमारा ग्रेविस्टोन दोजीज की बात करने वाली हूँ। तो ये दोजीज मतलब आप उल्टा हैंडपम्प का पाइप समझ सकते हैं। ओके, मतलब पतली सी शेडो दे रखी होगी और पतली सी बॉडी दे रखी होगी। ओके, उल्टा आप समझ रहे हो, ग्रेविस्टोन दोजी मतलब जब हमारी ग्रेविस्टोन दोजी बनती है रेड कलर की, वहाँ से हमारा मार्केट अपॉट से डाउन फ्लो की ओर जाता है। ओके, जब हमारा ड्रैगन फ्लाई बनता है, आप इसको ग्रेविस्टोन को और ड्रैगन फ्लाई को एक जैसे हमारा वो होता है फ्लाई वाला कैमरा, अब उसको लेकर के सुन सकते हैं, वुडन फ्लाई। ओके, ड्रैगन जैसे हमारा उड़ता है, ओके, ड्रैगन में हमारा जो सीधा वाला रहेगा, सीधा वाला बॉडी पार्ट, पतला सा बॉडी पार्ट, पतली सी लॉन्ग शेडो, ओके, तो जब हमारा ग्रीन कलर का ड्रैगन फ्लाई बनता है तो ये मार्केट हमारा फ्लाई मतलब अपॉर्ट की ओर जाता है उड़ने के लिए। ओके, डाउन से अपॉर्ट की ओर जाता है फ्लो। ग्रेविस्टोन में ऊपर से नीचे की ओर आता है, ड्रैगन फ्लाई में नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ओके, नोट इट। एंड गाइज, सेकेंड में जो बात करने वाली हूँ, लॉन्ग लेग्ड दोजी मतलब एक लंबी शेडो दे रखी होगी और दोनों के बीच में एक पतला सा बॉडी पार्ट दे रखा होगा,
दोनों की जो लॉन्ग शेडो होगी दोनों पार्ट में, दोनों हिस्सों में बराबर होगी। जब हमारा रेड कलर का ये दोजी बनता है, लॉन्ग लेग्ड दोजी, जब हमारा रेड कलर का बनता है तो मार्केट हमारा डाउन से अपवर्ड की ओर जाता है, ओके, ऊपर की ओर एरो लगाइए। देन जब हमारा ग्रीन कलर का लॉन्ग लेग्ड दोजी बनता है तो वो हमारा ग्रीन कलर का दोजी ये शो करता है कि मार्केट हमारा अपवर्ड से डाउन फ्लो की ओर जाने वाला है। एंड वहीं हम एक वहाँ पर एक और होता है न्यूट्रल दोजी। न्यूट्रल दोजी एग्जैक्ट हमारा एग्जैक्टली हमारा प्लस साइन की ओर तरह होता है। प्लस साइन जब मतलब हमारा छोटे से शेडोज़ होंगे, छोटा सा बॉडी पार्ट होगा, मतलब जिसका बॉडी पार्ट और जिसकी शेडोज़ आपस में चारों चीज़ें इक्वल होंगी, बराबर होंगी, मतलब प्लस साइन के जैसे होगा। तो जब हमारा ये न्यूट्रल दोजी बनता है रेड कलर का तो वहाँ से हमारा मार्केट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है, ओके। जब हमारा ग्रीन कलर का ये न्यूट्रल दोजी बनता है, ग्रीन कलर का मतलब प्लस का साइन, तो वहाँ से हमारा ग्रीन कलर का मार्केट अप की ओर शो करता है, ओके। ये पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे। दूसरे पैटर्न की मैं बात करने वाली हूँ, दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब हमारा जो बॉडी पार्ट होगा वो हमारा मोटा होगा, लेकिन उसकी जो लॉन्ग शेडो होंगी वो शॉर्ट होंगी लॉन्ग होने की बजाय, मतलब छोटा सा आप समझ सकते हैं, ओके। छोटी सी इसमें लॉन्ग शेडो होंगी, नीचे की ओर छोटी सी लॉन्ग शेडो होगी, लेकिन उसका बीच का बॉडी पार्ट मोटा होगा। तो जब हमारा लाल कलर का मतलब रेड कलर का मॉर्निंग स्टार बनता है, मॉर्निंग स्टार, तब हमारा मार्केट ग्रीन कलर का नहीं बल्कि रेड कलर वाला हमें ये शो करता है कि हमारा मार्केट डाउन से अपवर्ड की ओर जाने वाला है, रेड कलर का मॉर्निंग स्टार। ग्रीन कलर का मॉर्निंग स्टार हमें ये शो करता है कि हमारा मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर जाने वाला है, ओके। अगेन मैं बात करने वाली हूँ शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार एक मतलब जैसे हमारा ये जो हमारे ड्रैगन फ्लाई जो थे पीछे हमारे बात, जिनके बारे में मैंने भी बात की थी, ग्रेवस्टोन दोजी और ड्रैगन फ्लाई दोजी, एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। बस उसमें फ़र्क ये होता है कि हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वो हमारा बॉडी पार्ट एक बहुत पतली सी लाइन के वे में होता है, ओके। लेकिन शूटिंग स्टार में जो बॉडी पार्ट होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, बाकी उसकी अपर शेडो जो होगी वो लॉन्ग होगी, ओके। तो शूटिंग स्टार अगर हमारा रेड कलर का बन रहा है तो वो मार्केट वो हमें शो करता है कि हमारा मार्केट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने वाला है, ओके। अगर हमारा शूटिंग स्टार ग्रीन कलर का बन रहा है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाने वाला है, ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारा मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल मतलब जब हमारा मारुबुजु कैंडल एक ऐसी कैंडल जिसका केवल बॉडी पार्ट हो, जिसकी शेडोज नहीं हो, जिसके लेग नहीं हो, ओके। कोई भी जब हमारी पूरी कैंडल बनती है विदाउट एनी लेग, विदाउट एनी शेडोज, उसके जस्ट बाद जब दोनों के बीच का पार्ट, नेक्स्ट कैंडल जो बनती है मतलब उसकी कैंडल के बीचों बीच पार्ट में विदाउट एनी शेडो, विदाउट एनी लेग कैंडल बनती है, तो मतलब ये है कि हमारा ये मारुबुजु कैंडल अप्लाई हो रहा है। वहाँ पर इसमें शेडोज नहीं होती मारुबुजु कैंडल में, ध्यान रखिएगा। जब इसमें हमारे मारुबुजु कैंडल बनती है मतलब एक पहले हमारी लॉन्ग बॉडी पार्ट वाली कैंडल बन जाए, ओके, उसके बीच हमारी शॉर्ट बॉडी पार्ट वाली कैंडल बन जाए, मारुबुजु कैंडल अप्लाई हो जाए, तो अगर इसमें हमारी पहली लाल वाली कैंडल बनती है, पहली रेड कैंडल बनती है, बाद में ग्रीन बनती है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट पहले ग्रीन मतलब डाउनवर्ड वाला, ओके, ये आपको पहचान बता रही हूँ। देन नेक्स्ट वाला जो ग्रीन बन रहा है वो अपवर्ड की ओर, ओके। तो जब हमारा मारुबुजु कैंडल बनता है जिसमें पहले रेड है बाद में ग्रीन कैंडल है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट डाउन टू अपवर्ड जाने वाला है, ओके। अगर मारुबुजु कैंडल्स में पहली वाली रेड होने के बजाय हमारी पहली कैंडल ग्रीन है, देन नेक्स्ट कैंडल जो हमारी छोटी वाली कैंडल बन रही है विदाउट एनी शेडो की के ओनली बॉडी पार्ट की, तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है, जिसमें ग्रीन वाला मारुबुजु कैंडल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने वाला है, ओके। तो गाइस इनको नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट में जो ट्रिक की बात करने वाली हूँ, बियरिश बॉडी जो हमारी बनती है ये एज अ मॉर्निंग स्टार की तरह होती है, ओके। मॉर्निंग स्टार जैसे हमारे बनते हैं वैसे ही होती है। तो जब हमारी मॉर्निंग स्टार बनती है, जब हमारी मॉर्निंग स्टार बन रही है हमारी रेड कलर की, ओके, मॉर्निंग स्टार मतलब जिसमें बॉडी पार्ट हमारा बीच का थोड़ा सा मोटा है लेकिन उसकी जो शेडोज़ हैं वो बहुत शॉर्ट सी हैं, बहुत अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, हमारी दोनों तरफ ऊपर और नीचे की शॉर्ट शॉर्ट हमें शेडो दे रखी हैं, छोटे छोटे लेग दे रखे हैं। देन उसके जस्ट बाद थोड़ा स्पेस आपको दिखाई देता है, उस स्पेस के बाद आप सभी को अगर ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा मॉर्निंग स्टार बनता है उसके बाद थोड़ा सा गैप होके अगर हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ग्रीन, तो वो हमें होने वाले हैं, मतलब हमारा मार्केट डाउन टू अपवर्ड जाने वाला है। अगर वही हमारा
नेक्स्ट जो मॉर्निंग स्टार बनता है, मॉर्निंग स्टार अगर इधर रेड हो तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। अगर हमारा मॉर्निंग स्टार ग्रीन बनता है देन जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा। बस इसमें फ़र्क इतना होता है, इसलिए हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें मॉर्निंग स्टार के बाद स्पेस देखने को मिलता है। ओके, तो स्पेस देखने को मिलेगा जब, तो हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अपर टू डाउनवर्ड जाने वाला है। ओके, चाइल्ड बार कैंडल, इसे हम स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं। ओके, चाइल्ड बार कैंडल ये क्या होते हैं? जब हमारा बॉडी पार्ट वाला कैंडल, जिसमें हमारी शॉर्ट नहीं बल्कि ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, मीडियम पार्ट की, जब हमारी मीडियम पार्ट की शेडोज़ बनती हैं, छोटा सा हमारा बॉडी पार्ट होता है, ओके, और हमारी कैंडल बनती है रेड, उससे पहले की जो सारी कैंडल्स होती हैं वो बनती है ग्रीन, ग्रीन के बाद ये जब हमारी मेन कैंडल बनती है जिसमें हमारी दोनों शेडोज़ बराबर हैं, बॉडी पार्ट हमारा इक्वल है, देन उसके बाद जो हमारी कैंडल्स बनेंगी वो ऑब्वियसली 100% डाउन की ओर जाने वाली है, वो कैंडल्स रेड बनने वाले श्योर शॉट। ओके, एंड गाइस, चाइल्ड बार में अगर हमारी वही कैंडल जिसमें बॉडी पार्ट हमारा दिया गया है, लेकिन उसके उसी बॉडी पार्ट में ऊपर और नीचे की जो शेडोज़ हैं वो ना ज़्यादा छोटी हैं ना ज़्यादा लंबी हैं, उससे पहले अगर हमारी वो कैंडल्स रेड बन रही हैं, ओके, हमारी ये मेन कैंडल ग्रीन बन रही है, तो यहाँ से मार्केट हमारा अपआउट जाने वाला है। ओके, एंड गाइज, इसके अलावा अगर शॉर्ट की बात करूँ तो हमारी अगर तीन कंटिन्यू एक ही बॉडी पार्ट की, एक ही शेडो की, मतलब जिसमें तीन सेम कैंडल, सेम बॉडी पार्ट की, सेम लेग्स की, सेम शेडोज़ की तीन कैंडल आपको एक साथ दिखाई देती हैं एक ही पैटर्न में, तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाला है वो हमारा रेड बनेगा। ओके, एंड यही चीज़ हमारी ग्रीन कैंडल्स में भी अप्लाई होती है। अगर हमारी सेम तीनों इक्वल पार्ट की, तीनों इक्वल बॉडी एंड तीनों इक्वल शेडोज़ की हमें कैंडल दिखाई देती हैं एक ही पैटर्न में, तो गाइस हमारी जो चौथी कैंडल बनेगी वो ऑब्वियसली हमारी ग्रीन बनेगी। ओके, अगर यही हम बात करें मॉर्निंग स्टार की, जैसे एक कैंडल की जिसमें हमारी बॉडी पार्ट छोटा सा दे रखा होता है, देन उसकी छोटी सी ऊपर चोटी दे रखी होती है, शेडो दे रखी है बहुत छोटी सी एज बॉम्ब की तरह, तो गाइज अगर हमारी तीन कैंडल प्रॉपर ग्रीन दिख रही हैं वैसे ही, जिसमें हमारी केवल ऊपर छोटी सी शेडो दे रखी है, नीचे कोई शेडो नहीं दे रखी है, बीच में केवल बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट और ओनली छोटी सी ऊपर शेडो ऊपर की ओर, तो वो हमें इंडिकेट करती है कि वो हमारा मार्केट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाने वाला है। अगर यही तीनों चीज़ तीनों कैंडल हमारी रेड वर्ड में अप्लाई होती है तो ये हमें इंडिकेट करने वाला है तो रेड है, तो हमारा मार्केट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने वाला है। ओके, तो गाइज आज हमने इन ट्रिक्स के बारे में बात की, होप सो आप सभी ने ये नोट करके रख लिया होगा, जैसे मैं इन ट्रिक्स को अपने आप नोट करके एंड इनको अप्लाई करके मैं ट्रेड करती हूँ, एंड 99% जो लोग सेशन फॉलो करते हैं और जानते हैं कि सिग्नल्स कैसे वहाँ पर मॉडर्न ट्रेडिंग में दिए जाते हैं और उसकी एक्यूरेसी कैसी है, तो गाइज आप सब समझ सकते हैं मैं इन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करती हूँ, फंडामेंटल्स को अप्लाई करती हूँ, बहुत सॉलिड ट्रिक्स हैं, अच्छी ट्रिक्स हैं, तो गाइज इनको अप्लाई कीजिएगा। बाकी इन सारी कैंडल्स को मैं आगे आने वाले टाइम में एक ही करके, आज मैं आप सभी को नोट करा दिया प्रॉपर कि इन कैंडल्स को हम किस तरह से पेपर में नोट करके रख सकते हैं, आप सभी ने नोट कर लिया होगा होप सो, एंड इन्हीं सारी कैंडल्स को, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को मैं आने वाले सारी वीडियोस में एक एक करके, अब एक साथ नहीं, एक साथ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, एक एक करके सारी ट्रिक्स को मैं आगे आने वाले टाइम में मैं बताने वाली हूँ। फिलहाल कल जो वीडियो आने वाली है उस वीडियोस में हम फर्स्टली जो कैंडल अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, जानेंगे इस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कि हैमर और हैंगिंग मैन, ये जब हमारी कैंडल बनती है तो किस तरह से हम इनको पहचानते हैं, और जो हमने अपना पैटर्न तैयार किया है यहाँ पर कि हैमर हमारा ग्रीन कलर का बनता है तो मार्केट हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है, या हमारा रेड कलर का बनता है तो मार्केट हमारा डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है। ओके, इन चीज़ों को जो हमने नोट करके रखा है, इनको हम किस तरह से पहचान करके किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, इनको मैं कल आगे आने वाली सारी वीडियोज़ में लाइव ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ और सारे पॉइंट्स मैं कवर अप करने वाली हूँ। तो गाइज़ कंटिन्यू वीडियोज़ पर बने रहिएगा, आगे आने वाले टाइम में भी वीडियो बहुत सारे के सारे वीडियोज़ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो गाइज़ कल की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, खासकर इसी हैमर एंड हैंगिंग मैन के साथ। तो गाइज होप सो आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत काम का लगा होगा, सारे ट्रिक्स आप सभी ने नोट करके रख ली होंगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है, ट्रिक्स आप सभी को कमाल की लगी हैं और कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। तो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, हैमर और हैंगिंग की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।